आज की रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है क्योंकि बच्चों को सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिनव्हील सैंडविच रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से आसानी से हम इन्हें 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस पिनव्हील सैंडविच की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर आज के इस मज़ेदार पिनव्हील सैंडविच की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 व्हाइट ब्रेड ली है और अब हम इनकी साइड्स को जो है वो ट्रिम कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। इन साइड्स का यूज़ जो है आप ब्रेड क्रम्स बनाने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमने इनकी साइड्स को जो है वो कट कर दिया है। तो अब हम इस ब्रेड को जो है बेलन लेकर के इनको पतला कर देंगे, यानी कि एकदम से फ्लैट कर देंगे। तो ब्रेड यहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्रेश हो उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसकी स्लाइस को जो बहुत ही पतला कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम इन ब्रेड को जो है वो एक दूसरे से स्टिक करेंगे, यानी कि एक दूसरे से स्टिक कर देंगे इनको अच्छे से। तो यहाँ पर हमने एक बटर की जो है थोड़ी सी स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर, यानी कि बटर को लगा दिया है, और इससे हम इसको स्टिक कर देंगे, यानी कि एक दूसरे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से तीनों ब्रेड स्लाइस को हमने थोड़ा थोड़ा बटर लगा करके एक दूसरे से स्टिक कर दिया है, ताकि हमारा जो सैंडविच बनाने का बेस है वो आसानी से रेडी हो सके। तो बटर लगाने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे आपस में एक दूसरे से स्टिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम सैंडविच के ऊपर बटर लगा दिया है। बटर की यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लेयर लगाएंगे, क्योंकि सैंडविच के अंदर बटर चीज़ ये जितना अच्छा होता है सैंडविच उतना अच्छा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इवनली एक अच्छी सी स्प्रेड लगा दी है। तो अब हम मेयोनीज सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच मेयोनीज ली है और उसके अंदर 1 छोटा चम्मच धनिया की चटनी डाल दी है और उसे अच्छे से मिला देते हैं। तो अब हमारी जो मेयोनीज सॉस है वो रेडी हो चुकी है। तो इसकी भी हम एक अच्छी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बने। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सभी ब्रेड स्लाइस के ऊपर यहाँ पर मेयोनीज सॉस जो है वो रेडी की है उसको लगा देंगे, यानी कि इसकी भी एक हम अच्छी लेयर लगाएंगे। अगर आपको मेरी धनिया की चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेयोनीज सॉस को स्प्रेड करने के बाद हमने शिमला मिर्च ली है और उसे लंबे और पतले टुकड़ों में काट लिया है, वहाँ पर इसको भी हम लगा देंगे। शिमला मिर्च आप जितने अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना आप चाहते हैं उतनी लगा सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर हमने चीज़ स्लाइस ली है और वो भी हम एक एक करके तीनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च पाउडर डाल दिया है, उससे सैंडविच का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रेट की भी गाजर ली है और उसको भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने रेड टमाटो केचप ली है और उसकी भी एक हम अच्छी सी लेयर लगा देंगे, यानी इस तरह से ड्रिजल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हैं उतना इसके ऊपर डाल सकते हैं। तब यहाँ पर हमने 1 पिंच नमक लिया है, यानी कि चुटकी भर नमक लिया है, और उसे भी थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है। तो बस हमारा जो सैंडविच का जो बेस है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसे रोल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे हल्के हाथों से रोल करना है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे रोल करना है। तो अब हमारा जो सैंडविच है वो रोल हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिंग रैप में रैप कर देंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप उसकी जगह फॉइल पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्लिंग रैप में रैप करके आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो सैंडविच है वो आसानी से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको क्लिंग में रैप कर दिया है। अब हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो अब आधा घंटा हो चुका है, तो हम जो है इस क्लिंग रैप को हटा देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा सैंडविच जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक शार्प नाइफ लिया है हमने और इस तरह से हम एक एक करके पीस कट कर लेंगे। तो
तो अब आप देख सकते हैं कि सैंडविच के अंदर जो है सभी चीज़ें कितनी अच्छे से इसकी लेयरिंग हुई है और कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। दिखने में जितने अच्छे हैं खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब है। अगर आप ये बच्चों को बना करके खिलाएंगे ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप भी अपने घर पर इन पिनवेल सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये पिनवेल सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।